आज हम बात करेंगे कि घर में कौन सी पेंटिंग्स लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि गुरुजी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, वास्तु वाले कुछ बोलते हैं, ये शुभ है, ये अशुभ है, इतने कंफ्यूजन है। क्या आप इस बात को भी लॉजिकली समझा सकते हैं ताकि अगर हम कभी बाजार में जाए और हमें कोई पेंटिंग या कोई कैलेंडर या कोई फोटो पसंद आ जाए, तस्वीर पसंद आ जाए, तो हमें कैसे पता चले कि इसको लेना है या नहीं लेना है। देखिए, ये सब तो मैं आज बताऊंगा ही, साथ साथ आपको इसका साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाँ, इन चीजों का आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इससे पहले कि हम शुरू करें, आपको जो लोग ध्वनि सामग्री मंगा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि बाकी लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि जी बन गई नहीं बन गई, वो बन गई है और टाइम से आप मंगा लेंगे तो ठीक है। देखिए, दिवाली के टाइम पर एकदम से आप लोग मंगाते हैं तो इतना स्टाफ संभाल नहीं पाता है या इतना मैनेज नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे जाती रहे तो ठीक है, तो आप लोग मंगा सकते हैं। ध्वनि भी तैयार है, लक्ष्मी जी की हवन सामग्री भी तैयार है। खैर, अब वापस पॉइंट पर आते हैं। आपको मैं एक किस्से से शुरुआत करता हूँ, छोटे से मेरे, कि मैं दिल्ली किसी बहुत अच्छे पुराने रजवाड़े टाइप बिजनेसमैन जो होते हैं उनके घर गया था, आज से कुछ वर्ष पहले की बात है। तो मेरा जो प्रोग्राम था ये था कि 11 के बजे मुझे पहुंचना था और लंच करके वहां से निकलना था आगे। आप यकीन करिए कि एक दो घंटे में ही मुझे इतनी घबराहट सी होने लगी। कई बार होता क्या है कि आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, किसी किसी के घर आप जब जाते हैं तो आपको थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील होता है, और जो लोग थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जो लोग थोड़े से ज़्यादा मतलब लाइक जिनको फीलिंग्स हैं, तो वो जल्दी इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं कि भाई थोड़ी सी हमें घबराहट हो रही है और इतना अच्छा नहीं लग रहा। तो कई बार ये होता है कि उस घर में जैसे कुछ वैसा चक्कर हो ऊपरी, या फिर कोई एनर्जीज उस घर की खराब हो, तब भी होता है। और कई बार उस घर में जो चीज़ें रखी होती हैं या जो चीज़ें लगी होती हैं उनकी वजह से भी वो नेगेटिविटी वहाँ होती है। तो जो तस्वीरें थी वो बड़ी ही रोने वाली थी। अब जैसे लोग कहते हैं मोनालिसा इतनी अच्छी इतनी अच्छी इतनी अच्छी, वो मुझे एक दुखी औरत लगती है, एक उदास औरत लगती है, आप उसको देखो वहां पर। तो वहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी फोटो, चाहे वो कितने भी बड़े आर्टिस्ट ने बनाई हो, आज मॉडर्न आर्ट के नाम पर इतना कचरा लगा हुआ है लोगों के, बड़े लोगों के घर में खासकर, और उसका उन्हें फल भी भुगतना पड़ रहा है, कन्फ्यूजन है। अब वो बड़प्पन समझते हैं कि हम समझाएंगे, देखो ये जो कचरा है इसमें ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे। अरे भाई, जिस चीज को देख के मेरा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है, पजल हो रहा है, वो चीज का अच्छा इम्पैक्ट कैसे होगा, राइट? और अगर आप मुझे कोई समझाने के लिए नहीं है तो मैं देख रहा हूँ इधर आंख बनी हुई है, इधर गोला बना हुआ है, इधर क्रॉस बना हुआ है, इधर आदमी उल्टा लटका हुआ है, इधर चमकादा डोल हो रही है, अब मैं क्या समझूंगा इससे, राइट? मुझे तो लगता है आजकल मॉडर्न आर्ट के नाम पे क्या है कि आप एक सफेद कैनवास लो, उसके ऊपर से टायर निकाल दो चार इधर उधर करके और उनको लगा दो फ्रेम करके, मॉडर्न आर्ट बन जाएगी। फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे जिंदगी की सड़कें, अरे इतनी उलझी हुई है। सॉरी टू से, मैं आर्ट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये है कि इंसान को जो मेरा लक्ष्य है, देखिए मैं पिछला जन्म अगला जन्म ये प्रवचन वो प्रवचन, मुझे सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ काम कर रहा हूँ, अपने लिए भी और आपके लिए भी, कि ये जो जीवन मिला है हम कैसे भी कर इसको ठीक करेंगे तो अगला अपने आप ठीक हो जाएगा। पिछला जो जिया है उसका तो पता नहीं है, राइट? अगला ठीक कर लेंगे अगर ये अच्छे से जिएंगे तो। तो अब ध्यान से समझिएगा, पेंटिंग क्या है कि जिसको देख के आपको खुशी महसूस हो या उसका मैसेज जो है वो खुशनुमा हो, राइट? मतलब लाइक कि आप एक बच्चे को उस पेंटिंग को दिखा दीजिए और अगर वो देख के हंस रहा है तो समझ लीजिए एक अच्छी वाइब्स है। आप भी एक मासूम उसके बच्चे की नजर से देखिए कि कोई दो हंसों का जोड़ा है, पानी में तैर रहा है, कमल खिले हुए हैं, गुलाब खिले हुए हैं, राइट? बहुत अच्छा वेदर है। अब कई लोगों के घर से मैंने हटवाई हैं पतझड़ की सीनरियाँ, वो जो सूखे हुए पेड़ हैं उनके बीच में एक औरत खड़ी है, आदमी खड़ा है, भाई पतझड़ में क्यों खड़े हो, ये ग्रीनरी में खड़े हो जाते हैं, ब्लॉसम करते हुए फूलों के पेड़ होते हैं वहाँ खड़े हो जाते हैं, जिंदगी जहाँ खिल रही है पतझड़ वाले पेड़ों के बीच में खड़े होके फोटो पेंटिंग बना रखी है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई हमें, अब एक मेजर चीज आपको बताता हूँ, आप कहेंगे दीवार पे लगी पेंटिंग का मेरे जीवन पे क्या असर, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ये समझ लीजिएगा, जिंदगी में आप जो भी चीज देखते हैं उसका आपके विचारों पर प्रभाव पड़ता है, और आपके विचारों से आपके कर्म निकलते हैं और कर्म से आपकी जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है या जिंदगी चल ही रही है उस बेस पे,
कैसे? आप एक एग्जांपल करिएगा कि अगर आप पार्टी में, रिश्तेदारी में कोई ऐसा व्यक्ति सामने आ जाता है जिससे आपका झगड़ा है या कुछ भी है, आप उसको सिर्फ देखेंगे, वो आपसे कुछ कह नहीं रहा, वहां से देखता हुआ निकल गया, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। हार्ट बीट बढ़ते ही बॉडी में आपके केमिकल चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप अपनी एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे, बाहर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, इरिटेशन आपका बढ़ जाएगा। अगर यही बाहर फूल खिले हुए हैं, बाग बगीचे देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। कई लोगों को खून देख के उल्टी हो जाती है, सिर्फ देख के, उनके अंदर कुछ गया नहीं है, कुछ नहीं है, अगर बाहर खून देख लेंगे तो वो वॉमिट कर देंगे, अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं गया, आंखों ने देखा, ब्रेन को सिग्नल दिया, ब्रेन ने पलट दिया। राइट, ऐसे में आपको 1000 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। अब मूर्तियों का कंसेप्ट क्यों बना? यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह है, कि जब आंखें देखेंगी कि उसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगी, मतलब उसके तरह के विचार आएंगे। गणपति जी को देख रहे हैं वैसे विचार आएंगे, शिव जी को देख रहे हैं वैसे विचार आएंगे, लक्ष्मी माँ को देख रहे हैं वैसे विचार आएंगे। तो ये सारी फोटोज, मूर्तियां, ये सब हम जब आईज से देखते हैं, राइट, अब एक आदमी की आंखों पर पट्टी बांध दीजिए, उससे कहिए पूजा करिए, उसको मूर्ति की जरूरत थोड़ी होगी, वो तो देख ही नहीं सकता। सो जो भी चीज हम देखेंगे उसका दिमाग पे प्रभाव पड़ेगा, आपके पूरे बॉडी के केमिकल्स पे प्रभाव पड़ेगा, साइंटिफिकली प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक डरावने भूत की सीनरी आपने लगा दी, ठीक है, दिखाइए बच्चे को, चीखने लगेगा, रोने लगेगा, और आप रात को उसको देख के सोएंगे, आपको सपने भी वैसे आएंगे और उस तरह के ही विचार आएंगे आपको, समझे आप। एक मैं देख रहा था फैमिली में, एक बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा था, तो मैंने देखा कि वो जहाँ सोता था उसमें शेर लगे हुए थे, राइट, वो हटवाए, वहां से उसके स्वभाव में फर्क पड़ा। सो आपको ये देखना है कि आपको जो भी आप खरीदेंगे उसका मैसेज क्या है, समझे, वो दिखाना क्या चाह रहा है, राइट। तो ये समझिएगा, ना तो पतझड़ वाले वो ना, अब मैं आपको बताता हूं कि आपको वास्तु के हिसाब से भी और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से भी वास्तु में, हालांकि ये नहीं लिखा गया था कि सीनरी यहाँ लगाओ या वहाँ लगाओ, ये सब हमने बनाया हुआ है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ कि आप लोग क्या करें। सबसे पहले आप नॉर्थ ईस्ट में, देखिए हम लोग लक्ष्मी साधक हैं, ज़्यादातर लोग इस चैनल पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं कि शास्त्रों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा कैसे लक्ष्मी पैदा की जाए, कैसे भूदेवी को प्रसन्न किया जाए, कैसे कुबेर को प्रसन्न किया जाए, तो ज़्यादातर हमारा इम्पैक्ट वो है। लेकिन आज मैं आपको 3-4 सीनरीज बताऊँगा जो कि आपको इन सारी चीज़ों को आपको बैलेंस करेंगी। पहली चीज़ लक्ष्मी जी की हम बात कर रहे हैं, आप खिले हुए कमल, कमल पर एक तरह से लक्ष्मी जी का वास है, उनके हाथ में भी पकड़ा हुआ है सब, मतलब बैठती भी हैं वो कमल पर, तो आप खिलते हुए कमल की जो एक पेंटिंग है या तस्वीर है, आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ लगा सकते हैं। जिन लोगों को घर में शांति चाहिए, अध्यात्म चाहिए, पूजा पाठ चाहिए, वो बुद्धा की पेंटिंग ईस्ट में लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट जो है वो स्टेबल होना चाहिए, जिंदगी में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, पैर जमीन पर जमे होने चाहिए आपके अच्छे से, तो आप साउथ वेस्ट में पहाड़ों की, पहाड़ है बड़ा बड़ी चीज का कारक, स्टेबिलिटी का कारक, मजबूती का कारक, और साउथ वेस्ट थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, साउथ वेस्ट में आप पहाड़ों की लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए आज बहुत कॉमन है भागते हुए घोड़ों की तस्वीर, लेकिन मैं इसमें एक चीज कहना चाहूँगा कि घोड़ों का अगर डायरेक्शन नहीं है तो आपके एम्बिशंस भी चारों तरफ दौड़ेंगे, कहीं आप पहुँचेंगे नहीं। यहाँ तो एक तस्वीर हो कि ये मंजिल है, ये किला है या मंदिर है या कुछ भी, और घोड़ा उसकी तरफ जा रहा है, तो आपके विचार एक डायरेक्शन में जाएंगे। बेलगाम घोड़े अगर चारों तरफ ऐसे भाग रहे हैं तो आपके विचार भी बेलगाम होंगे, समझे आप। तो आपको ये समझना है कि हमें चाहिए क्या। अब देखिए मेजर चीजें क्या होती हैं, आध्यात्मिक शांति, बुद्ध की पेंटिंग, फाइनेंस कमल की पेंटिंग, क्योंकि देखिए दीवारों पर आप लोग भगवानों की फोटो ज़्यादा ना लगाएं, भगवान का स्थान मंदिर में है, तो भगवान जिस चीज़ को पसंद करते हैं वो आप लगा सकते हैं, समझ गए आप बात को। तो आपको क्या करना है कि नॉर्थ ईस्ट में खिलते हुए कमल की, तो आपका लक्ष्मी जी का वो पूरा हो गया। अब आपको मैंने आध्यात्मिक शांति का लिए भी बता दिया, और अब आपको बताता हूँ कि पैसे का हो गया आध्यात्मिक शांति के लिए, बुध हो गए आपके,
और स्टेबिलिटी के लिए आपके पहाड़ों की सीनरीज हो गई अपना साउथ वेस्ट में, अब पति पत्नी की शांति के लिए आप सिंपल दो हंसों का जोड़ा, राइट। कोशिश करिए एक दूसरे की तरफ देख रहा हो या एक दूसरे के साथ साथ तैर रहा हो या पानी पे हो, तो वो आप लगा सकते हैं बेडरूम में अपने, या साउथ वेस्ट में अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। ज़्यादा बड़ी लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी लगा सकते हैं। इसका एक फायदा और है कि बहुत कम लोग जानते हैं, सब समझते हैं कि उल्लू ही सवारी है लक्ष्मी जी की, लेकिन लक्ष्मी जी हंस पर भी बैठ के आती हैं, तो उधर वो भी चीज वो करेगा पूरी, और इधर जो है उनका हंसों का प्यार जो है वो आपको एक पॉजिटिव वाइब देगा हस्बैंड वाइफ को, तो वो भी लगाया जा सकता है। ऐसे ही मैं 10 चीजें आपको, 10 पेंटिंग बता चुका हूँ, सब मतलब लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज जो एक अच्छा मैसेज दे रही है। अब आप देखिए कई घरों में बहुत ज्यादा बुद्धा लगे होते हैं, इतने बुद्धा लगाने भी ठीक नहीं है। आपका गृहस्थ का घर है, आपने सारे मतलब इंजॉयमेंट भी करने हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें भी करनी है। अगर ज्यादा आप लोग अध्यात्मिक हो जाएंगे तो भी दिक्कत आएगी। हमेशा गृहस्थ को बैलेंस होना है मेटेरियलिस्टिक चीजों में और स्पिरिचुअल में, मध्य का मार्ग लेना है। एक्सट्रीम नहीं लेना है कि मतलब मैंने चारों तरफ बुद्धा 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 कर दिए, भैया आपने संत नहीं बनना है, वहां पर दिक्कत आएगी, गृहस्थी में दिक्कत आएगी। सो बैलेंस करिए, समझे आप। कभी भी जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी हिंसक जानवर, ठीक है ना, अब आप कहेंगे राजा महाराजा जो है वो या अभी कुछ साल पहले तक जो शिकारी वगैरह होते थे वो हिरन का सिर चीते का सिर ये लगाते थे, अभी तो खैर वाइल्ड लाइफ वाले पकड़ के ले जाएंगे, आप नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी आप उनकी जिंदगी देखिए, क्रुएलिटी देखिए, हमेशा लड़ाई झगड़े तलवार और यू नो दुनिया भर का बेमौत मौत मलना युद्धों में और ये सब करना, ये हम लोगों का काम नहीं है, राइट। हमें चाहिए शांति, हमें चाहिए प्रॉस्पेरिटी, हमें चाहिए मतलब लाइक यू नो धन धान्य भी हो, आध्यात्मिकता भी हो, शांति भी हो, राइट। तो हमने तलवारें नहीं लगानी है, हमने दो बंदूकें क्रॉस करके नहीं लगानी है। या अगर आपने बनना ही सैनिक है, अगर आपने लड़ना ही है, आपका वही धर्म है, तो आप लगा लें तो मैं नहीं कह सकता। मैं बात यहाँ कर रहा हूँ गृहस्थों की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ एक आम आदमी की। आम आदमी को क्या चाहिए? थोड़ी आध्यात्मिकता, थोड़ी शांति, पैसा, राइट, एक बैलेंस लाइफ। देखिए मेरा जो मानव है, मैं हमेशा सोचता हूँ वो एक ऐसा हो जो पूजा पाठ में उतर के भगवान से भी मिल ले, ठीक है, और जो मेटरलिस्टिक चीजों को भी इंजॉय कर ले, वो अपनी गाड़ी, अपना बंगला, अपनी अच्छी चीजें, अच्छा खाना, अच्छा पीना, वो भी अच्छा सा इंजॉय करो। कोई ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता और मेटरलिज्म जो है वो एक दूसरे के खिलाफ है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे। तो इसलिए आपसे कहता हूँ हिंसक जानवर, तलवारें, कोई ऐसी चीज जो कंफ्यूजिंग हो मॉडर्न आर्ट के नाम पे, मतलब वो सब चीजें, उदासीनता, लड़ाई झगड़ा, युद्ध, मतलब अगर आपको मैं क्लियर बताऊं तो आप युद्ध की फोटो मत लगाइए। कई लोगों के घर में ये है कि गीता उपदेश की कैलेंडर लगे होते हैं, ठीक है, उसमें मैंने देखा कि पीछे तीर लगे हुए लोग लेटे हुए हैं, लाशें पड़ी हुई हैं और उपदेश दिया जा रहा है। आप गीता पढ़िए, जरूर पढ़िए, बहुत जरूरी है, लेकिन वो महाभारत के युद्ध का फोटो आप मत लगाइए जी, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें कोई वैसी बात नहीं समझिएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो ये चीज आप लोग करें, और हमेशा याद रखिए किसी भी चीज को अगली बार, अभी मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको, आजकल वो बेम्बू बहुत चल रहे हैं छोटे वाले कछुए क्रिस्टल के, इसमें भी मैं खुलासा करूंगा अभी अगले, या तो शॉर्ट बना देता हूँ अभी आपको, वरना ये वीडियो लंबी हो जाएगी, कि क्या डेकोरेशन पीस आप रखें, क्या नहीं रखें, ताकि पूरे घर की जो वाइब्स हैं हर जगह से आपको पॉजिटिव वाइब्स आए, ना कि उलझाने वाली या नेगेटिव वाइब्स आए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रणाम।